तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है डीआरसीएस के, और ये है आपका चैप्टर नंबर टू, ठीक है, यूनिट नंबर टू बोल सकते हैं, जिसमें मैंने इसमें आप अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस को करना है, और आराम आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन, जो एक्सट्रीम कंप्रेशन है वहां से उसका जो कंप्रेशन फोर्स का सेंट्रॉइड का होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस बताना है। तो उसका डिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसका डिस्टेंस कितना होता है, 0.42 XU होता है। ये चीजें हम लोगों ने मतलब डिजाइन किया है तो उसको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है। अगर आप सभी ने कॉन्सेप्ट के साथ सीखा होगा तो आप लोग को आइडिया होगा 0.42 XU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इन लिमिट स्टेट मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ इन न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है, जो Fe250 होता है उसके लिए हम कितना यूज करते हैं, 0.53D यूज करते हैं, 0.53D होता है, ये याद रखना, ठीक है। 250 के लिए अलग होता है, 415 के लिए अलग होता है, 500 के लिए अलग अलग होता है, ये याद रखना। द लीवर आर्म इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज एक्सप्रेस एज, ये भी आप लोग को ऑलरेडी, लीवर आर्म जो होता है मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, दोनों के सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस की बात किया है, तो वो डिस्टेंस कितना होता है, डी माइनस 0.42 XU होता है, ये याद रखेंगे। फोर नंबर का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम्स शैल नॉट बी एक्सीड, मतलब मैक्सिमम जो टेंशन एरिया है वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो कितना है, तो वो है 4%। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग, देखिए यहाँ पर बोला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आरसी बीम का, उसका मैक्सिमम, लिमिटिंग की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो वो Fe500 ग्रेड के लिए, सॉरी थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे 500 जो है, 500 ग्रेड वाला जो स्टील है, आरसी बीम है, उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एमए लिमिटिंग बोला जाता है उसको, तो वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपने सॉल्व भी किए हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग फाइंड आउट करने के लिए। और देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग ही फाइंड आउट रहता है ना, जिसकी हेल्प से आप पीटी फाइंड आउट करते हो, उसके बेस पे अलग मतलब स्टील की डिजाइन होती है, कितने नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, जो आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसके मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं ना, आपने फिक्स बीम फाइंड आउट किया होगा, फिर बाद में कंटिन्यूस बीम में मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वहां से आपको मिल जाता है फाइंड आउट करने का तरीका, बाकी तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन FCK, BD, स्क्वायर, ये सब वैल्यू यहाँ पर MA लिमिटिंग से हेल्प से ये सब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये चीजें याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर आरसी बीम हैविंग Fe415 ग्रेड स्टील, तो कितना रख सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का मैक्सिमम डेप्थ कितना रख सकते हैं 415 का, अभी Fe250 का अभी हमने देखा था, अभी यहाँ पर आ गया 415 का, तो वो कितना है, 0.48D है, 0.48D है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आरसी बीम, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया है फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए, और भी किसके लिए, आरसी बीम के लिए, तो वो कितना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है 0.87 FY होता है, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद देख सकते हैं 8 नंबर को क्वेश्चन, फेलियर ड्यू टू कॉन्क्रीट इज कॉल्ड, मतलब कॉन्क्रीट के कारण जो फेलियर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो ब्रिटल बोला जाता है, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ब्रिटल मटेरियल होता है, और जो स्टील होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है, तो ब्रिटल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, फेलियर ड्यू टू स्टील इज कॉल्ड, तो फेलियर ड्यू टू, अभी मैंने बताया कि फेलियर ड्यू टू स्टील, तो स्टील का जो फेलियर होता है वो डक्टाइल होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे।
नेक्स्ट आ गया कि एक्सयू अगर एक्सयू मैक्स से बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, एक्सयू की बात कर रहे हैं ये कि इसके एक्सयू मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है, सेक्शन में, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोला जाता है, और अगर कम होता है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोला जाता है, अगर इक्वल होता है तो बैलेंस सेक्शन बोला जाता है। ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इन विच सेक्शन वी एज्यूम दैट एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्सिमम, किस सेक्शन में करेंगे? तो बैलेंस सेक्शन में करेंगे। अभी अभी मैंने बताया बैलेंस सेक्शन में करेंगे, तीनों का मैंने अभी बता दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज 500 mm विद इफेक्टिव कवर 50 mm, देन फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाता है? इफेक्टिव कवर माइनस कर दो, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 450 आ गया, 450 द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आराम से फटाफट टिक कर सकते हो। लेकिन एक बार ये वीडियो देखे रहोगे ना तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से होगा और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसके पहले वाला चैप्टर जो लिमिट स्टेट मेथड था वो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। अभी ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें 40 क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक दो बार रिपीट कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो एक भी क्वेश्चन मेरे हाथ से ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आरसीसी, डेंसिटी ऑफ आरसीसी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ आरसीसी की अगर बात करो तो कितनी होती है आरसीसी की? तो वो होती है, आरसीसी की बात कर रहा है, पीसीसी की बात नहीं कर रहा, कॉन्क्रीट की बात नहीं, आरसीसी रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। तो कितना होगा वो चीज भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो होता है 25 kN/m³। हालांकि कॉन्क्रीट भी इसके आसपास ही लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ पीसीसी, डेंसिटी ऑफ पीसीसी, तो वो भी मैंने बताया था कि उसी के आसपास होता है, मतलब 24 kN/m³। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, आरसीसी में रेनफोर्स में एक ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ स्टील कितना होता है, ठीक है, तो वो चीजें आपको जो एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है कंप्रेशन जोन में, तो कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और ऊपर कब प्रोवाइड किया जाता है? डब्ल्यू रेनफोर्समेंट में, ठीक है, डब्ल्यू आरसीबी में, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन कब होगा? प्रोवाइड किया जाएगा डब्ल्यू आरसीबी में, सिंगली आरसीबी में सिर्फ नीचे होता है, ये चीज याद रखना। देखो यहाँ पे भी अलग देवो दिया है तो इसका मतलब देख के अलग देवो मत मार देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम ऑफ साइज 300 mm और 450 mm, ये साइज है, सेक्शन की साइज है, ठीक है, और ये जो 450 है वो इफेक्टिव डेप्थ है। कंसीडर M20 और Fe जो है 415 है, 415 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं और जो कॉन्क्रीट है M20 ग्रेड का है। तो उसके पूछा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टम सिंगली रेनफोर्स का कितना होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑलरेडी 1.33 FCK BD स्क्वायर फॉर्मूला था लिफ्टिंग का, वो वैल्यू पुट कर लोगे। सब कुछ तो दिया है, बी भी दिया है, डी भी दिया है, ठीक है, और FCK भी दिया हुआ है, सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट करोगे आसानी से आ जाएगा और उसका आंसर आएगा सी 1.67 kN/m आ जाएगा, वैल्यू में पुट कर लोगे, ठीक है। अभी इसके पहले वाले मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 17 नंबर का, क्या बोला, अ सिंगली रेनफोर्स बीम इज रेनफोर्स विद 3 numbers of 20 mm डायमीटर। यहाँ देख सकते हैं 3 numbers of 20 mm डायमीटर का स्टील हम यूज कर रहे हैं, इट्स डायमेंशन आर 250 mm एंड 450 mm इफेक्टिव बोल दिया है, सेक्शन का डायमेंशन, ओके। फॉर M20 एंड Fe 500 ग्रेड का यूज कर रहे हैं, इट इज टू बी डिजाइन एज, इसको डिजाइन जो किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? तो ओवर एनफोर्स सेक्शन में किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ओवर एनफोर्स कैसे पता चलेगा? जब इसका जब एक्सयू हम फाइंड आउट करेंगे और एक्सयू मैक्सिमम से अगर वो ज्यादा हो जाता है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि ये ओवर एनफोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द फ्लेंज ऑफ ए टी बीम शुड बी लेस देन, जो विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है, फ्लेंज आपको पता है टी बीम है, तो इस तरीके का टी बीम बनता है इस तरीके का, तो ये टी बीम जो है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोला जाता है फ्लेंज, और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे वाला ये इसको वेव बोला जाता है। तो ये फ्लेंज की बात कर रहा है, किसका फ्लेंज का विड्थ, विड्थ मतलब ये इसकी बात कर रहा है, तो ये कितना होगा, ठीक है, और कितना होना चाहिए लेस देन किसके, तो वो होना चाहिए लिस्ट ऑफ द एबो, लिस्ट ऑफ द एबो मतलब, लिस्ट ऑफ द एबो का मतलब क्या है, अच्छा कितने लोग ज्वाइन हुए हैं,
चारों में ये ऊपर जो तीनों दिए है ना, इनमें से जो सबसे कम होगा वो इसी को बोला जाता है लिस्ट ऑफ द एबो, ठीक है। इन तीनों का दिया है ना 1/3 ऑफ द इफेक्टिव स्पान ऑफ द टी बीम, ठीक है। टी बीम का जो इफेक्टिव स्पान होगा उसके 1/3, या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टी बीम, या तो विड्थ ऑफ द री प्लस 12 टाइम द थिकनेस ऑफ स्लैब, ये तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको बोला जाएगा विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। इतना से कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, इन टी बीम स्लैब पोर्शन इज कॉल्ड, टी बीम जो स्लैब होता है पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, जो स्लैब पोर्शन होता है। देखो स्लैब पोर्शन क्या होता है, स्लैब पोर्शन को अगर देखोगे तो वही मैंने बताया कि इस तरीके का आपका बीम है, ठीक है, इस तरीके का, ये आपका इस तरीके का है, तो यही तो स्लैब होता है, यही पोर्शन, इसी को तो फ्लैंज बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, इक्वेशन विड्थ ऑफ फ्लैंज इन टी बीम, जो फ्लैंज है टी बीम के विड्थ का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ये वाला होगा फ्लैंज विड्थ का, L0.6 प्लस BW प्लस 6TF, दिस इज द फॉर्मूला। ये चीजें थोड़ा बार बार देख लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं इसलिए आप बार बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इक्वेशन विड्थ ऑफ फ्लैंज इन एल बीम, जो एल बीम है उसके फ्लैंज का विड्थ क्या होगा, तो वो होगा ये बी वाला ऑप्शन, बी एफ इक्वल टू L0/12 प्लस BW प्लस 3DF, ठीक है, ये चीजें देख सकते हैं एल बीम के लिए। नेक्स्ट 22 देख सकते हैं कि एफ सी है ग्रेटर देन एफ टी, न्यूट्रल एक्सिस जो है लाइज इन, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, अगर एफ सी ग्रेटर है और एफ टी से, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो कहाँ पर पड़ेगा, तो पड़ेगा इन फ्लैंज में, फ्लैंज में पड़ेगा, ये याद रख लेना, फ्लैंज में पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एफ सी अगर लेस है एफ टी से, तब कहाँ पर उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपका इन वेव में, दो ही चीज है, ठीक है, फ्लैंज होगा या वेव में होगा, फ्लैंज होगा या तो वेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, कैलकुलेट फ्लैंज विड्थ ऑफ टी बीम, एल जीरो दिया ये, बी एफ बी डब्ल्यू दिया ये, डी एफ ये दिया हुआ, इसमें आपको फ्लैंज विड्थ फाइंड आउट करना है। तो अभी इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फॉर्मूला हमने देखा था, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू दी होगी वो वैल्यू फटाफट उसमें पुट कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा 1900 mm आ जाएगा, 1900 mm आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर एफ सी की वैल्यू ये दिया है, एफ टी की वैल्यू ये दिया है, देन न्यूट्रल एक्सिस, तो देख सकते हो एफ सी की वैल्यू क्या है, 2 to 6, यहाँ पे भी 6 है, तो ये एफ सी की वैल्यू कम है, जब एफ सी की वैल्यू कम होती है तो क्या आ जाता है, वेव में आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे वैल्यू दिया है, वहां पे डायरेक्ट बोला था कि एफ सी की वैल्यू अगर कम है तो वेव में आएगा, वेव ज्यादा है तो फिर प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सयू की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है, एक्सयू मैक्सिमम ये दिया है, तो विच टाइप ऑफ सेक्शन, तो देखो एक्सयू की वैल्यू जब भी एक्सयू मैक्स से कम होगा तो अंडर एनफोर्स होगा, सीधी बात है, एक्सयू की वैल्यू जब कम होगी एक्सयू मैक्स से तो अंडर एनफोर्स, ज्यादा होगी तो ओवर एनफोर्स, और इक्वल होगी तो बैलेंस सेक्शन, कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है, यहाँ वैल्यू दे दिया है। फाइंड फैक्टर मोमेंट ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट 120 kN/m, अब देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड फैक्टर मोमेंट ऑफ द बीम, फैक्टर मोमेंट यहाँ पे बताना है बीम का, जिसका बेंडिंग मोमेंट दिया 120 kN/m, 120 kN/m दिया हुआ है, तो उसका फैक्टर मोमेंट क्या होगा, तो फैक्टर मोमेंट होगा 180 kN/m होगा, ये चीजें ध्यान में बैठा लेना, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम ऑफ स्पान 5 m विथ यूडीएल ऑफ 40 kN/m, फाइंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम ऑफ स्पान 5 m विथ यूडीएल ऑफ 40 kN/m, तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर 5 m का स्पान है और यूडीएल इसके ऊपर है तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, अगर यूडीएल है तो WL²/8 हो जाता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट WL²/8 हो जाता है, तो वैल्यू पुट करोगे WL²/8 करोगे, ठीक है, एल दिया है, डब्ल्यू की वैल्यू भी दे दी है, ये पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 25, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, देखिए विड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ की बात करें, विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 0.6 बोला है,
तो किसका होगा देख सकते हैं, सीधी बात बोला है कि विड्थ बी और इफेक्टिव डेप्थ, तो बी अपन डी की बात किया है 0.6, तो कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है ना, सीधी बात, इतना आराम से दिख रहा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डी को इस तरफ लेकर आओगे, देखो यहाँ पर जो इसका लिखा हुआ है, तो बी अपन डी करोगे तो वही आ गया ना 0.6, और यही तो बात किया है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन व्हेन द अप्लाइड मोमेंट ऑन द बीम इज मोर देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग ऑफ द बीम। तो ये कब होता है, तो ये होता है टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ बीम, जब डेप्थ ऑफ बीम इंक्रीज करते हैं तब, टू यूज हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू इम्प्रूव MR, मोमेंट रेजिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए हायर ग्रेड के कंक्रीट यूज करते हैं तब, या टू प्रोवाइड रेनफोर्स इन द कंप्रेशन जोन ऑफ द बीम टू इंक्रीज MR। ऑल ऑफ द अबव राइट है, तो ये सभी आंसर राइट है, ये डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना आ जाएगा आंसर। 31 देख सकते हैं, अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम हैज, अंडर एनफोर्समेंट की बात हो रही है, तो अंडर एनफोर्स में भी देख सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव राइट है, तो मतलब ये सारे कंडीशन राइट है। पहला देख सकते हैं इसमें, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ऑब्वियसली अंडर एनफोर्स में यही आएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टम इज लेस देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टम, ये भी सही है। टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील रीच एट यील्ड वैल्यू व्हाइल मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज लेस देन इट्स अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेन, ये भी राइट है, ये सभी पॉइंट राइट है, इसलिए डी वाला राइट है। नेक्स्ट देख सकते हैं 32 नंबर का, इन सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू, देख सकते हैं समझिए, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की बात किया, इफेक्टिव डेप्थ जो मेजर करते हैं इट्स कंप्रेशन एज, ठीक है, कंप्रेशन एज से कहां तक किया जाता है, तो वो चीज किया जाता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक, टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक, आपको पता है ना कि इस तरीके का सेक्शन होता है इस तरीके का, और इसका यहाँ पर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है इसके आधे से, और यहाँ तक का जो ये डेप्थ होता है इसी को बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इसी को बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ, ये चीजें बोला है, तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक होता है, कंप्रेशन एज तो ये है, कंप्रेशन एज वहां से इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ तक किया जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच द डिजाइन ऑफ RC ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल कब होगा, जब इट फेल सडन, इट फेल सडन होगा तब अनडिजायरेबल होगा, ये चीजें देख सकते हैं। मिनिमम टेंसाइल स्टील इन RC बीम नीड्स टू बी प्रोवाइड टू, कब जरूरत पड़ेगी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो होगा प्रिवेंट सडन फेलियर, सडन फेलियर को रोकने के लिए जरूरत होती है मिनिमम टेंसाइल स्टील, मिनिमम उसमें टेंसाइल स्टील होना चाहिए, स्टील टेंशन स्टील होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा सडन फेलियर होने के चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन सेक्शन में देखेंगे, तो एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, अंडर गो लार्जर डिफ्लेक्शन एट फेलियर, ये वाला राइट है, ठीक है, अंडर गो लार्जर डिफ्लेक्शन एट फेलियर ये हो सकते हैं। एज द परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इंक्रीज इन सिंगली RC बीम, एज द परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इंक्रीज इन सिंगली RC बीम, तो कब होगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज कर जाएगा तब होगा। 37 नंबर देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स क्या होता है, एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स होता है स्टील विल यील्ड फर्स्ट, ठीक है, पहले क्या होगा यील्ड होगा स्टील, ठीक है, पहले यील्ड कौन होगा स्टील होगा। WRC बीम इज कंसीडर लेस इकोनॉमिकल देन सिंगली RC बीम, WRC बीम इज कंसीडर लेस इकोनॉमिकल देन सिंगली RC बीम, तो वो होता है कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस, इसमें आ जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम आर कंपेयर टू सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ऑफ सेम डेप्थ, ये कब होगा लेस, ठीक है, लेस होगा, लेस कंपेयर टू सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेम डेप्थ होगा, ये चीजें देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ स्लैब मे बी कंसीडर एज अ फ्लेंज ऑफ द टी बीम, कंसीडर एज अ फ्लेंज ऑफ द टी बीम, ये स्लैब कंसीडर किया जाता है, तो ये चीजें तो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका, उसको जो फ्लेंज होता है उसको स्लैब में कंसीडर किया जाता है, तो किस रीजन पे, ये सारे रीजन राइट है क्योंकि ऑल ऑफ द अबव राइट है, ठीक है। फ्लेंज हैज एक्यूरेट रेनफोर्समेंट ट्रावर्स टू बीम, इट इज बिल्ट इंटीग्रली
विद द बीम और इट इज इफेक्टिवली बाउंडेड टूगेदर विद द बीम। ठीक है, अभी एक चीज और बताना था, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका टाइमिंग जो है ना वो चेंज कर दूंगा, 12:30 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे भी एक और क्लास चल रहा है, तो क्लास होता है, आवाज आ रही होगी, तो 12:30 से जो भी 20 मिनट 30 मिनट जो भी होता है वो चीजें चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।